सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सभी का एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है रमज़ान का दूसरा दिन, तभी मैं छत पे आई हूँ मुर्गे को खाना खिलाने। अब वो देखो, हमने इसको बंद करके रख रखा था, उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो ज़रूर बताऊँगी मैं। देखो देखो देखो, ये मुर्गा है कि क्या है? ये शेर बनने की कोशिश करता है मुर्गा। गाँव गाँव खा ले, ये लो भी लो, वेरी गुड। सो गाइस, अभी मैं छत पे आई थी उसे खिलाने के लिए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ना बारिश होके हटी है, तो इस वजह से हमने इसको उसमें बंद कर दिया था, क्योंकि बारिश में फिर गीला हो जाता है, फिर बीमार होने का डर है ना। तो अभी देखो, हाँ बाबू, ये बता दूँ मैं, अभी तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं पीछे। तो मौसम तो बहुत अच्छा साफ साफ हो रखा है, लेकिन अभी कुछ देर के लिए मौसम साफ हुआ, कुछ एकदम बारिश वाला घना बादल आया गया था, उसके बाद फिर मौसम एकदम ठीक हो गया। अभी देखो बादल आपको ऊपर दिख रहे होंगे, हल्के हल्के लगे हुए, तो ये वही बादल है जिन्होंने अभी बरसात करके हटे हैं ये। और हवा बहुत प्यारी चल रही है और सबका छत खाली है। और अभी मैं जस्ट ऊपर आई हूँ नीचे का काम ख़त्म करके, ट्यूशन पढ़ाकर हटी हूँ मैं यहाँ से। और आज काम है भानु का इफ्तारी बनाने का, और सामने सूरत है और सामने वो देखो कितनी प्यारी लग रही है। कल ही इसको लगाया था ना हमने, देखो सारा फूल पौधा खा गया लड़का। ये मुगुमिया के सारे काम है और किसी के काम नहीं हो सकते, इसके काम चेक किया करो आप। ये देखो सारे खा गया बच्चे, ने प्यारे लग रहे थे कल तक, और आज देखो सारे मुरझा गए। डर भी लगता है हाथ लगाते हो, क्योंकि काट लेता है ये। अब मैं नीचे जा रही हूँ कि हम नीचे का काम ख़त्म करते हैं, तो अभी काम थोड़े बहुत बचे हुए हैं। अरे यार, डर गया ना। चलो नीचे चलते हैं। अबे रोज़ा हूँ मैं। What a मजाक। रोज़ी डाल दो। नहीं करते ऐसे। चल ठीक है। वेरी गुड। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पकोड़े बन रहे हैं, अभी मैं जस्ट आई हूँ नीचे से। और यहाँ पे हमारी, सॉरी मेरे दिमाग थोड़ा लग रहा, रोजा लग गया। अभी मैं ऊपर से आई हूँ और यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं। ये तीन चार चीजें बाकी है। क्या क्या बाकी है? इफ्तारी का टाइम हो गया बहन, इफ्तारी का टाइम तो होने वाला है, क्या क्या बाकी रह गया? तुम खाते रहना, मैं यहाँ पे खड़े से रोजा खोल के इफ्तारी पर बाकी रहूंगी। नहीं, अपना ये पकाया नया नया जो लाई मम्मी, ये चकरी जो की अलसी को खानी है, तो ये तो 2 मिनट में हो जाते हैं ना। और ये अलसी को चूरा, और तेरे भैया के लिए चूरा। अच्छा, नींबू पानी बना जल्दी। मैं जा रही हूँ नींबू पानी बना ले। हाँ ठीक है, बाकी हमारे पकौड़े वकौड़े सब बन चुके हैं, तो अब जा नहीं, मैं नींबू पानी बनाऊंगी। ठीक है, मैं एक गिलास में ऐसे। नो रोबजा, नींबू पानी बना रही हूँ। हाँ बन गया, इसका मुझे पता नहीं चलता ये दाल का। नहीं बन गया, ठीक है, चल जाना अब यहाँ से। बहन दिखाऊं ना क्या अपने व्यूअर्स को? बहुत बेकार शक्ल हो रही, मत दिखा। पकौड़े की बात कर रही हूँ। पकौड़े की शक्ल की बात कर रही हूँ मैं। इसका पूरा डब्बा उठा लूँ मैं? अच्छी प्लेट ले। चलो जी, अब इफ्तारी का टाइम आने वाला है, अब दुआ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, अब हो चुका है नेक्स्ट वाला डे। तो आज है चौथा रमज़ान, और मैंने बस स्किप किया अभी बीच के रमज़ान को, मैंने बोला छोड़ो भाई, अब थोड़ा धीमे धीमे बनाते हैं ब्लॉग। तो आज ना कुछ नहीं खाया, बस आज हमेशा की तरह हमारे गुलगुले तैयार हो रहे हैं और पकौड़े शकौड़े बन चुके हैं। और अम्मी गई है बाज़ार, क्योंकि बाज़ार जाना था अम्मी को सब्ज़ी लेने के लिए। बाकी यहाँ पे सारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। ताली भैया गाली भैया है नहीं, पकोड़े में कुछ नया है? ओ मैगी पकोड़ा। गाइस मैगी पकोड़े बने और गोभी है ना। बाकी आज दोनों भाई सरप्राइज लेने गए, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो सरप्राइज वो मिल जाए मम्मी पापा के लिए, और फिर फटाफट वो हम आपको दिखाएं। तो अभी तो बस देखो गर्मा गर्म निकले कढ़ाई से, अभी कुछ भी ऐसा खास नहीं है। अभी दोनों भाई गए हैं, अभी तो अजान का वक्त होने वाला है, मम्मी भी अभी तक आई नहीं है, देखते कब तक आती है। मम्मी अभी तो गई है। अम्मी अभी क्यों गई है? अम्मी कह रही थी बाबू हरी सब्जियां खत्म हो जाती है शाम तक, तो बाम में बाद में ले आती ना। मम्मी 5:30 बजे खत्म हो जाती है, 5:30 के आसपास ही गई है, जैसे 5:40 आती होगी, क्योंकि ताजी सब्जी रहती है ना, और फिर बाद में हम जाएंगे दोबारा। अरे तो मम्मी को मैं जल्दी जाने की नसीहत दे रही हूँ ना कि लेट।
पता नहीं यार, पर रोजे कुछ ज्यादा जल्दी बीत रहे हैं मेरे हिसाब से, तो रोजे बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और हाँ, आज जुमा भी है, तो आज सबको रमजान का पहला जुमा मुबारक। चलिए जी, अब देखते हैं कि अब क्या होने वाला है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। बाय बाय। सो गाइज, अब हो चुकी है रात और मैं अपने रूम में आई हूँ, क्योंकि कल हमें जाना है इफ्तारी का और ईद का सारा, नहीं सॉरी, ईद का सारा सामान देने अपनी नई वाली भाभी के घर। तो उनका सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है कुछ ऐसे, अब इन्हें मुझे पैक करना है, गिफ्ट की तरह पैक करना है, और मैं जा रही हूँ इन्हें पैक करने। तो उसके लिए मुझे पहले कैंची चाहिए, ये रही कैंची, अब इसका करते हैं हम काम। तो पहले तो भाई मुझे एक एक करके निकालना पड़ेगा सब कुछ कि किसमें क्या है, फिर उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। अभी तो बस मैं भी नीचे से सामान लेके आई हूँ कि उसको कैसे मैं सेट करूँ, अब देखते हैं कि कैसे हो पाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो गाइज, ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है, अब इसमें मैं जा रही हूँ नाम लिखने। तो पहले तो लिखेंगे हम भाभी की, ये मम्मी के लिए, भाभी की मम्मी के लिए, तो उन पे उनका नाम लिखते हैं। सो गाइज, यहाँ देखो, यहाँ पे कबूतरों ने ना कितना ज्यादा घोंसला बना लिया है किचन के ऊपर, उसके ऊपर उसके अंदर बैठे हुए हैं क्या। सो गाइज, अब हो चुकी है सुबह और अब हम जा रहे हैं अक्की और अलचू का कपड़ा लेने और मिठाई का ऑर्डर देने और जो भी नाश्ता जाएगा आज इफ्तारी के लिए उनके घर, तो उसका ऑर्डर देने। तो चलिए चलते हैं। पांचवा रोजा, तो आज के दिन हमें जाना है भाभी के घर सारा सामान लेके ईद का। अरे भाई, क्या अभी तो शुरू हुआ है व्लॉग अलचुमिया, तो अभी देखो मैं तो तैयार शैयार हो गई, सब तैयार हो गए हैं, ठीक है, अब बस निकलना है यहाँ से। इफ्तारी भी आज वहीं है इंशाल्लाह। और अलचुमिया पुराने कपड़े में चलोगे? नहीं लेली, जितने भी लोग भी तैयार नहीं हुए हैं उनका इंतजार कर लेते हैं और गाड़ी आने का भी इंतजार कर लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं भाभी के घर। सो गाइज, यहाँ पे हमारा सारा सामान जो भी था वो इकट्ठा कर लिया गया है, अब बस यहाँ से निकलना है, गाड़ी आएगी फिर फटाफट निकलेंगे, अब देखते हैं गाड़ी कब तक आती है। सो गाइज, अब गाड़ी आ चुकी है, फटाफट चल रहे हैं हम। चलो कुंडी पे ताला लगाना होगा। सारे रस्में अब हो चुकी थी, अब हम जा रहे थे घर, और घर पे था मम्मी पापा के लिए एक सरप्राइज। ये हमारी कार आ चुकी है और ये सिर्फ हमें पता है, मम्मी पापा बिल्कुल किसी को नहीं पता। तो ये अभी गाड़ी है अपनी अपनी खरीद ली। हाँ पापा अपनी है, कहाँ से लाऊंगा किराए पर? पापा को लग रहा है किराया सजी हुई है।
سبحان الله وبحمده سبحان الله अर्जुन की कार आ गई। सो गाइस अब हम अपने घर आ चुके हैं, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। भाभी को सामान भी दे दिया ईद का, और आते ही अम्मी और पापा के लिए सरप्राइज था। वैसे ही सरप्राइज ना 3-4 दिन से चल रहा था कि देना है देना है देना है, पर भैया कह रहे थे कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा, पर आज फाइनली जाके मिल गया और अम्मी पापा को बहुत पसंद आया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ऐसे ही अल्लाह आप सबको भी बहुत बहुत सारी खुशियाँ दे, और जिस जिसके नसीब में जितना लिखा है उसको तो उतना मिलता ही है, लेकिन अल्लाह सबकी नसीब बेहतर करे। बाकी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर प्यार करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।